सहारा इंडिया रिफंड स्टार्ट, दिवाली पर सहारा इंडिया का पैसा वापस मिलना शुरू। इसे अवसर डीएसटी ने प्रकाशित किया है। सहारा इंडिया कंपनियों में निवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। ऐसे निवेशक जिनका पैसा बहुत लंबे अरसे से सहारा इंडिया में फंसा हुआ था, तो अब इनका पैसा वापस होना शुरू हो गया है। सरकार ने निवेशकों के रिफंड हेतु ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। इस तरह से अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया कंपनी में फंसा हुआ है, तो आप अब अपना पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अब निवेशक 50,000 रुपए तक की धनराशि पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि पहले केवल 10,000 रुपए तक का रिफंड करने के लिए आवेदन मांगे जा रहे थे, पर अब इस राशि को बढ़ाया गया है। अगर आप भी अपने फंसे हुए पैसे को पाना चाहते हैं, तो आज का यह आर्टिकल पूरा पढ़िए। आज हम आपको बताएंगे सहारा इंडिया रिफंड स्टॉट के बारे में समस्त जानकारी। इस तरह से इस पोस्ट को पढ़ लेने के बाद फिर आपको अपना पंजीकरण करने में और अपना पैसा प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। सहारा इंडिया रिफंड स्टॉट। सहारा इंडिया रिफंड स्टॉट हो गया है और ऐसे में निवेशकों के लिए ये बहुत खुशी की बात है। बताते चले कि बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया है। इस प्रकार से एक लंबे समय की प्रतीक्षा के पश्चात अब आखिरकार सहारा इंडिया रिफंड स्टॉट कर दिया गया है। सरकार ने रिफंड की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया है और इसके अलावा इसे पारदर्शी भी बनाकर रखा है। यही वजह है कि सहारा इंडिया रिफंड हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जहां पर आप अपने रिफंड की स्थिति भी देख सकते हैं और साथ में अपने पैसे को प्राप्त करने हेतु अप्लाई भी कर सकते हैं। सहारा इंडिया रिफंड हेतु योग्यता और प्रक्रिया। ऐसे निवेशक जिन्होंने सहारा इंडिया कंपनियों में अपना पैसा निवेश किया था, अब वे अपने फंसे हुए पैसे को हासिल कर सकते हैं। जानकारी के लिए बताते चलें कि अपनी धनराशि पाने के लिए सबसे पहले आपको सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर अपने पंजीकरण को पूरा करना जरूरी है। सभी निवेशकों के लिए सहारा इंडिया पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। इस तरह से निवेशक कुछ ही चरणों के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने आधार कार्ड, अपने बैंक खाते की डिटेल और अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए लॉगिन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात फिर आपको 40 से 45 दिन तक का इंतजार और करना होगा। दरअसल ये प्रतीक्षा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सभी आवेदनों को वेरीफाई किया जाता है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात फिर एक रिफंड सूची प्रकाशित की जाती है। इस सूची में ऐसे निवेशकों का नाम सम्मिलित किया जाता है जिनका पैसा लौटाया जाएगा।